सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन को और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। साथियों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में यानी कि CBI में यानी कि खुफिया विभाग में ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, तो उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है कि जो ऑफलाइन फॉर्म आया है इसे किस प्रकार से फिलअप किए जाएगा, यानी किस प्रकार से उसको भरा जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि आप इस फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे स्टेप बाय स्टेप और कैसे इसको सेंड करेंगे, इस सभी डिटेल्स पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर ये देखिए जो आपको ये फॉर्म है, इस फॉर्म को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है और इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक। इस फॉर्म को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अकेडमी हापुड़ रोड, यहाँ पर कमला नेहरू नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के माध्यम से ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया, ठीक है। ये आपको वर्डप्रेस में मिल जाएगा, इसको PDF में मैंने कन्वर्ट किया है। ये देख रहे हैं इंटर्नशिप स्कीम है, ये SBI के द्वारा निकाली गई है 2020 के लिए, SBI कह रहा हूँ सॉरी, CBI के द्वारा, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, जैसे कि मैंने बताया था कुल 30 वैकेंसी है, जो ब्रांच है यहाँ पर हो सकता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़, ठीक है। अब ये कुछ आपकी एलिजिबिलिटी थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इंटर्नशिप है वो 6 से 8 सप्ताह की यहाँ पर आपकी हो सकती है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना होगा और आपको यहाँ पर समझना होगा, ठीक। उसके बाद अप्लीकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये रिक्वायर्ड है कि अप्लीकेशन आपको सेंड करना है, ठीक है। पूरा बायोडाटा आपको एक बनवा लेना है, वो बायोडाटा साथ में यहाँ पर आप देखना जो पूरा एनेक्सर में पूरा कंप्लीट कर लेना, कम से कम 300 वर्ड का यहाँ पर पूरा कंप्लीट बनवाना है और उसे आपको भेजना है, ठीक। भेजना कहाँ पर, ये भी आप देख पा रहे हैं, पूरा एड्रेस यहाँ पर यह दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको यह भेजना है, ठीक है। कब तक भेजना है, 21 फरवरी 2020 से पहले और स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको आपको भेजना है, तभी ये एक्सेप्ट होगा। अगर साधारण डाक से या कुरियर से किसी माध्यम से आप भेजेंगे तो नहीं एक्सेप्ट होगा। तो बायोडाटा के साथ जो अभी मैं फॉर्म आपको दिखाऊंगा उस फॉर्म को फिलअप करना है, साथ ही साथ जो आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उनकी फोटो कॉपी भी आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नंबर्स भी दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप संपर्क करके कुछ जानकारी भी ले सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे के बीच में यहाँ से आपको जानकारी भी मिल जाएगी और अधिक जानकारी आपको इन दोनों वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जो भी आप जानकारी चाहते हैं यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका जो फॉर्म है, ये एनेक्सर ए जो है यही मांगा गया है यहाँ पर, यहाँ पर पूरा आपको इंटर्नशिप का जो डिटेल्स है वो फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट का आपको नाम डालना है और पूरा आपका एड्रेस, पूरा एड्रेस डालना है, जैसे कि मकान नंबर, विलेज, पोस्ट, ठीक है, जो भी पोस्ट लगता है आपका, एरिया का पिन कोड वगैरह, ये सभी चीजें आपको डिटेल से यहाँ से आता है पूरा फिल कर देना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपको सही देना है क्योंकि ईमेल के माध्यम से ही कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है और यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करना है। इतनी चीजें करने के बाद यहाँ पर जो मैंने क्वालिफिकेशन बताई है, जो मांगी गई है यहाँ पर, वो क्वालिफिकेशन आपको डाल देनी है, ठीक है। तीन ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर, तीन कॉलम हैं, यानी कि तो तीन कॉलम में आप तीन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल कर पाएंगे। तो जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसको यहाँ पर सीरियल वाइज नंबर डालिएगा और बोर्ड, यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूट का नाम डालिएगा, किस ईयर में आपने जो एग्जामिनेशन है कौन सा एग्जाम पास किया है, स्कूल इंटर ग्रेजुएशन वो डालना है, फिर यहाँ पर किस ईयर में आपने पास किया है वो डालना है, किस डिवीजन या प्रतिशत में अंक है वो डालना है, और यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट है वो शॉर्ट में लिखना है, जैसे कि हिंदी है तो HIN लिख दीजिए, इंग्लिश है तो ENG लिख दीजिए, ऐसे आपको शॉर्ट में फिल करना है क्योंकि फुल में लिखेंगे तो जगह नहीं बचेगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर सभी चीजें कर देनी है। अब यहाँ पर इसको जैसे कि नेम ऑफ जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, लेटर ऑफ प्रेजेंट जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर आप स्टेटस है, ये सभी चीजें यहाँ पर आपको नहीं है, इंटरसेप ये सब चीजें आपको नहीं फिल करनी है, ठीक है। ये सब आपका जो आपसे मांगा गया है इंटरसेप के एरिया के लिए 300 वर्ड का है आपको बायोडाटा, वो यहाँ पर सब है, तो ये सब चीजें आपको छोड़ देनी है। फिर यहाँ पर आपको नाम, फादर नेम और यहाँ पर पूरा एड्रेस वगैरह सब फिल करना है, उम्र वगैरह, यहाँ पर आपको कैंडिडेट की जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कैंडिडेट के यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है,
जिस तारीख को आप भेज रहे हैं वो तारीख डालिएगा, और किस स्थान यानी किस जिले में आप रहते हैं उस जिले का यहाँ पर नाम सामने डाल दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको ये सभी चीज़ें हैं देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आप सब डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, क्या क्या चीज़ें हैं और भी यहाँ जानकारियाँ मिलेंगी। तो जो अधिक जानकारी है वो आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डाउनलोड करिए, फिल करिए और भेज सकते हैं आप। मुझे उम्मीद है कि सभी प्रोसेस जो इसका पूरा आपको समझ में आ गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या था, वैकेंसी कैसे है, तो उसके लिए आप क्या करिए, आपको वो भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पर जाइए, वहां से इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप समझ सकेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इंटर्नशिप स्कीम का यहाँ पर भी आपको ये आ रहा है, तो यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। देखिए ऐसे डाउनलोड करना है आपको, मैं लिंक इसी वेबसाइट का आपको दे दूंगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे इंटर्नशिप स्कीम है इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जब आप यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए वर्डप्रेस में ये फाइल आएगी, तो आपको ये लैपटॉप में ही करना होगा, मोबाइल से नहीं संभव होगा। तो देखिए ये देखिए खुल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड करना है, यहाँ से इसी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करिए, और साथ ही साथ इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।